Warm welcome on my YouTube channel HPPSC Cracker. Let me introduce myself first. My name is Vishal Kumar. This one is the third lecture of Modern Indian History series. And जैसा कि हमने last lecture में बात करी थी, क्यों Indian sepoys East India Company के खिलाफ थे. After that हमने देखा था क्यों farmers exploit हो रहे थे. After that हमने ये भी देखा था क्यों Indian handicrafts loss कर रहे थे अपनी jobs का. और उसके बाद हमने देखा था कुछ एक नवाब, कुछ एक राजा भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे. वो सारे इकट्ठा आते हैं और रिवोल्ट ऑफ 1857 करते हैं, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कैसे इकट्ठा आते हैं, किसने कहाँ से लीड करा. ओके, आई बिलीव दैट टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. लेट्स क्रैक इट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड. काइंडली प्रेस द वेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. देखते हैं पूरे इस एंटायर कोर्स में जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे रिवोल्ट कैसे स्टार्ट हुआ. उससे पहले की जो घटनाक्रम थी, रिवोल्ट स्टार्ट होने से पहले बेसिकली दो घटनाएं प्रमुख घटी थी, हम उनको देखते हुए चलेंगे. मंगल पांडे ने सर्जेंट ऑफिसर को मारा. उससे पहले एक बैरकपुर में म्यूटनी हुई थी, छोटी सी म्यूटनी, जिसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इजिली कुचल दिया था. उसको देखते हुए चलेंगे. आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि जो रिवोल्ट की स्टार्टिंग हुई थी ऑन 10th of May 1857 को, वो कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी और उसके पीछे के कारण क्या थे. ये सब करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम लास्ट में ये देखेंगे कि उन्होंने बहादुर शाह को ही अपना लीडर क्यों चुना. और चलो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. जस्ट बिफोर द मेन रिवोल्ट ऑफ 1857, टू मेजर इंसिडेंट हैपन्ड. वन इज 90th इन्फेंट्री एट बैरामपुर. उन्होंने मना कर दिया कि हम ये जो आपके न्यूली इंट्रोड्यूस राइफल्स हैं हम इसको यूज नहीं करेंगे. बिकॉज जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि जो न्यूली इंट्रोड्यूस राइफल थे उनको यूज करने के लिए बारूद को एक थैले से निकालना पड़ता था. और र्यूमर्स ये स्प्रेड हो गया था कि जो थैली बनी है वो बनी है मांस की, चर्बी की, काऊ की चर्बी की या फिर सुअर के चर्बी की, पिक के चर्बी की. और आफ्टर दैट एक और र्यूमर स्प्रेड हो गया है अमंग द इंडियन सिपॉयज कि ये जो फ्लोर है, ये जो आटा है, इसमें वी बोन डस्ट है. इट्स नॉट नन डस्ट, इट्स बोन डस्ट. मिसराइटिंग हो गई है. क्लियर कर लियो उस चीज को. और 19th इन्फेंट्री ने बहरमपुर में एक छोटा सा म्यूटनी करी, जिसको कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेरी इजली कंट्रोल कर लिया. और ये जो 90th इन्फेंट्री थी एट बैरमपुर, इसको उन्होंने डिसअबैंडन कर दिया इन मार्च 1857. सो हम देख रहे हैं कि बेसिकली द मेन रिवोल्ट स्टार्टेड, उससे पहले भी एक दो छोटी छोटी म्यूटनी हुई थी. आफ्टर दैट मंगल पांडे एक स्टेप आगे बढ़े, जो कि बिलोंग करते थे 34th इन्फेंट्री को. वो भी एक स्टेप आगे बढ़े और उन्होंने एक सर्जेंट मेजर को मार दिया. इट्स नॉट सर्वेंट, इट्स सर्जेंट मेजर. इस चीज को भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ियो. और जो कि एक बैरकपुर की इन्फेंट्री थी 34th, उन्होंने एक सर्जेंट मेजर को मार दिया, जिसके लिए मंगल पांडे को एग्जीक्यूट किया गया ऑन 6th of April 1857. व्हाइल हिज रेजिमेंट ऑल्सो डिसबैंडेड इन मई 1857. उसकी जो रेजिमेंट थी उसको भी इन्होंने डिसअबैंडन कर दिया इन मई 1857. अब हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि बेसिकली हमारा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था वो कैसे स्टार्ट हुआ. हुआ ऐसे कि थर्ड नेटिव कैलवरी थी. फर्स्ट ये समझ लो कैलवरी और इन्फेंट्री में डिफरेंस क्या होता है. इन्फेंट्री में वो सिपॉयज होते हैं जो कि पैदल बढ़ते हैं, ठीक है, और कैलवरी में घुड़सवार होते थे. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेंट्री एंड कैलवरी. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ जो थर्ड नेटिव कैलवरी थी उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया कि हम आपकी ये जो न्यूली इंट्रोड्यूस राइफल्स हैं इनको हम यूज नहीं करने वाले हैं. 24th of April को इन्होंने ये चीज बोली. ऑलमोस्ट 90 सिपॉय रिफ्यूज टू यूज इट. एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का रिस्पॉन्स ये था कि उन्होंने 85 को डिसमिस कर दिया. डिसमिस करने के साथ साथ ही उनको कैदी भी बना दिया गया और उनको 10 साल की सजा का सुनाई गई ऑन 9th of May 1857. जैसे ही उनको 10 साल की सजा सुनाई गई, जो और इंडियन सिपॉयज थे मेरठ में, उन्होंने उनको अगले ही दिन
जेल से बाहर निकाला। जैसे ही वो कैदी बाहर निकले, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारना स्टार्ट करा, मार मार के उनको भगाना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद उन्होंने एक विद्रोह का झंडा उठा लिया और 10th of May को 1857 को मेजर रिवोल्ट स्टार्ट होता है, जिसको कि हम बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। फर्स्ट दे किल्ड द ऑफिसर एंड लेफ्ट फॉर दिल्ली एज द सनसेट। दिल्ली गए क्योंकि उनको एक लीडर भी तो चाहिए था। चॉइस ऑफ बहादुर शाह, उन्होंने लीडर चुना बहादुर शाह को क्यों चुना ये हम देखेंगे। एज मैक्सिमम टेरिटरीज ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय मुगल्स बिफोर 1764, सो टू मेक हेड दे चोज बहादुर शाह। जैसा कि हम जानते हैं 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिससे पहले मैक्सिमम जो टेरिटरीज थी उनको गवर्न कौन करता था, उनको रूल कौन करता था, उनको रूल करता था मुगल एम्पायर। तो उन्होंने बहादुर शाह को इसलिए चूज करा क्योंकि वो एक मुगल एम्परर थे और उनको ये लगता था कि वो पूरे देश को इकट्ठा लेके, साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन ये चीजें बाद में कुछ अच्छी साबित नहीं हुई क्योंकि वो बहादुर शाह एक अच्छा लीडर नहीं था, बेसिकली वो अच्छा लीडर नहीं था। फिर और रिवेल्स को एक लीडर की जरूरत थी, सो दे चूज बहादुर शाह। हाउएवर इट वॉज नॉट गुड बिकॉज ही वॉज नॉट रिजल्टेड एज अ गुड लीडर। अब आने वाले लेक्चर में हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि कौन से लीडर ने कहाँ से लीड करा। जैसे दिल्ली से बहादुर शाह ने करा, बहादुर शाह सिर्फ एक नॉमिनल लीडर थे। जो मेन लीडर थे वो थे भगत खान, ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। बिहार से कुंवर सिंह ने करा, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने करा, कानपुर से तांत्या टोपे नाना साहेब ने करा, फैजाबाद से मौलवी ने करा और झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने करा। क्यों 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 उन्होंने अलग अलग कैसे कैसे उन्होंने लीड करा, कैसे कैसे उन्होंने रिवोल्ट करा, ये चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। थैंक यू।